इधर महाराष्ट्र के नागपुर में सीएनजी की कीमतें पेट्रोल से भी महंगी हो गई हैं। एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 किलो सीएनजी 116 रुपए प्रति किलो मिल रही है। सीएनजी की बढ़ती कीमतों पर आम लोगों का क्या कहना है, इसका जायजा लिया हमारे नागपुर संवाददाता अमर काणे ने। नागपुर में सीएनजी के रेट फिर से बढ़ गए। आज 6 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अभी आज की जो रेट्स है वो 116 रुपए तक सीएनजी नागपुर में पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों से बार बार ये सीएनजी जो चालक थे जिन्होंने किट बिठाए उनके तरफ से तकरार आ रही थी कि बाकी के शहरों की तुलना में नागपुर में सीएनजी के दाम ज्यादा है। आज फिर से 6 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ने की वजह से जो सीएनजी की जिन चालकों ने लगाए उन्होंने एक संतप्त ऐसी प्रतिक्रिया उनके पास से आ रही है। दादा, सीएनजी के रेट जो है आज फिर से बढ़े हुए, इतर शहर के तुलना में नागपुर में ज्यादा ही रेट है। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमको। अदर राज्यों में जो सीएनजी का रेट है वो देख के हमको नागपुर में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि इतना पूछो मत। ऊपर से पूरे नागपुर भर में एक ही पंप है और एक पंप में इतनी लंबी लाइन लगती है कि करीब 2 घंटा लगता है सीएनजी फिलिंग कराने के लिए। एक पंप एक ऑपरेटर होता है, उसके वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि घर से यहाँ आने में करीब 1.5 किलो हमारा सीएनजी खर्च हो जाता है। गडकरी साहब से यही निवेदन है कि उन्होंने ये बोला था कि सीएनजी पोल्यूशन फ्री करने के लिए हम सीएनजी लगा रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। करीब साल भर हो गया है, गाड़ी धड़लारे से बिक रही है। गाड़ी को कम से कम वहाँ रोक लगाना चाहिए कि कम से कम सीएनजी गाड़ी अभी न भेजे। सीएनजी की उपलब्धता भी बराबर तरीके से नहीं हो रही है। नागपुर में पंप भी बहुत कम है सीएनजी के और बाकी के शहरों की तुलना में ज्यादा रेट्स आ रहे हैं नागपुर में। हाँ, सीएनजी के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और आज जो 6 रुपए की बढ़ोतरी जो हुई है उसके वजह से यानी ग्राहकों को गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद में जो सीएनजी के जो पंप है उसकी उपलब्धता नागपुर में बहुत ही कम है, यानी नहीं के बराबर है। और कल आज बंद रहेंगे ऐसा नोटिस भी बोर्ड पे लगा है। तो गाड़ी चलाना जो है सीएनजी पे ये दिन ब दिन ये यानी कठिन होते जा रहा है नागपुर शहर के अंदर और सीएनजी की गाड़ियां बहुत ज्यादा हो रही है। और कुछ चालक है हमारे साथ, क्या कहना है, सीएनजी के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं और आपके जैसे सर्वसामान्य आदमी जो लोगों की सवारी लेके जाते हैं उनको बहुत तकलीफ जा रही है। गाड़ी बेचने की नौबत आ गई है, बेचने की। तो ये लोगों की तकलीफ है, गाड़ी बेचने तक की नौबत आ गई है। सीएनजी के जो रेट्स है बहुत बढ़ गए। 106 रुपए में पेट्रोल आ रहा है नागपुर में, तो दूसरी जगह 116 रुपए तक सीएनजी दिख रहा है हमें और लोगों की तकलीफें बढ़ते जा रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी के लिए बढ़ोतरी दी जा रही है तो दूसरी तरफ सीएनजी के इस तरह के नागपुर में बढ़ने वाले रेट उनकी चिंता बढ़ा रहे। जी मीडिया के लिए वीडियो जो मंगेश हस्तक के साथ अमर काणे नागपुर।